दिखाता हूँ, आइए। परंतु एक मिनट, उत्तरकांड तो झूठ है। तो दोस्तों, ये वो स्थान है जहाँ वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। सामने वाल्मीकि जी की प्राचीन मूर्ति है, सीता जी कुटिया है और सीता जी की समाधि जहाँ धरती में समाई है। जो स्तंभ है दोस्तों, इसका निर्माण पेशवा द्वितीय द्वारा किया गया था 19वीं शताब्दी में। 1870 में फ्रेडरिका रिचर्डसन नामक व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी, द इलियाड ऑफ द ईस्ट। जब इसको प्रकाशित किया गया तो ज्ञात हुआ कि ये पुस्तक वाल्मीकि रामायण का ही इंग्लिश में अनुवाद है। परंतु चौंकाने वाली बात ये थी कि उसमें सिर्फ 6 कांड का ही इंग्लिश में अनुवाद किया गया था। बिल्कुल असत्य। अच्छा, ये बहुत पौराणिक कथा है कि वाल्मीकि आश्रम, लव कुश, जन्म भूमि मंदिर, वो वन इसी तरह होगा, त्रेता युग में इसी तरह रहा होगा वो वन। दोस्तों, मैं चाहता तो इस वीडियो को 2 दिन पहले भी अपलोड कर सकता था और 2-3 हजार व्यूज भी मिल जाते, परंतु मैंने कानपुर के बिठूर से आज सुबह यात्रा करना आरंभ की 550 किलोमीटर बागपत तक, ताकि इस वीडियो का अंत आपके लिए शूट कर सकूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको इतिहास दिखाना नहीं, प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने उसे प्रस्तुत करना है। और बहुत ही भयंकर गर्मी हो रही है, इसलिए मेरा फोन बार बार बंद भी हो रहा है। दोस्तों, ये है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि दो हमारे ऐसे नगर हैं, एक बागपत है और एक कानपुर का बिठूर है। दोनों पे दो अलग अलग स्थान 550 किलोमीटर आपस में एक दूसरे से दूर हैं, और दोनों पर ही जो मंदिर हैं उनका इतिहास एक सा है। ये देखिए, लव कुश जन्म भूमि, सीता सती स्थल और महर्षि वाल्मीकि आश्रम। कानपुर के बिठूर से आया हूँ मैं, उसका भी यही इतिहास है और इस मंदिर का भी यही इतिहास है। ऐसा कैसे संभव है कि दो मंदिर जो आपस में 550 किलोमीटर दूर हैं, परंतु दोनों का इतिहास एक सा है। जानेंगे आगे इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बहुत से मेरे इंस्टाग्राम यूजर्स हैं, मुझसे कहते हैं कि भैया आप इमोशनल व्लॉग्स डालते हो, छोटे छोटे इतिहास नहीं बताते। यूट्यूब पे मैं पूरा इतिहास अपलोड करता हूँ, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और मेरे को भी कुछ प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। ब्रह्मावर्त सघन वन भारी, जहां छोड़ी गई मिथिलेश कुमारी। अर्थात भगवान राम ने जब माता सीता का त्याग कर दिया था तो लक्ष्मण जी उन्हें घने वन में छोड़ आए थे। उसी स्थान के समीप भगवान वाल्मीकि का भी आश्रम हुआ करता था और माता सीता फिर वहीं जाकर वास करने लगी थी और लवकुश का जन्म भी उसी स्थान पर हुआ था। वो वन इसी तरह होगा, त्रेता युग में इसी तरह रहा होगा वो वन, इससे भी घना वन होगा। हम त्रेता युग की बात कर रहे हैं, लाखों वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, इससे भी घना वन रहा होगा। परंतु अब वो स्थान कैसा दिखता है ये जानना आवश्यक है। तो चलिए आपको लेके चलता हूं उस स्थान पर जहां पर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। कैसा दिखता है वो स्थान, दिखाता हूं, आइए। परंतु एक मिनट, उत्तरकांड तो झूठ है, निराधार है। भगवान राम के चरित्र का हनन करने के लिए उसे 19वीं शताब्दी में रामायण में जोड़ा गया था। संबुक, लवकुश, माता सीता का त्याग। विचार करने योग्य बात यह है कि अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड सब में भगवान राम और माता सीता के प्रेम चरित्र का पवित्र वर्णन किया गया है। फिर अचानक से उत्तरकांड में क्या हुआ? तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस लिखने से पहले दक्षिणी भारत की भिन्न भाषाओं की रामायण का अध्ययन किया था। उसमें उन्हें उत्तरकांड का जैसा विवरण मिला होगा उन्होंने वैसा ही लिखा होगा। तो उनका उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण से भिन्न कैसे हुआ? वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड यदि आप पढ़ते हैं तो आपको वो सर्ग जो है ना वो कुछ भिन्न दिखाई देते हैं अन्य कांड से, जैसे कुछ जल्दबाजी में लिखा गया हो। तुलसीदास जी 16वीं शताब्दी में भगवान राम के प्रेम भाव में इतने विभोर थे कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे भगवान राम के अनुचित चरित्र की, लिखने की तो बात दूर रही। फिर वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि जो भगवान राम के समकालीन हुए, वो भला ऐसा क्यों लिखेंगे? क्या सत्य है?
क्या झूठ है, क्या हमें पढ़ाया जा रहा है, जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के अंत में। मैं कोई बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसा ही एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति हूँ, पर जिज्ञासु हूँ। जानने का प्रयास करेंगे, यदि आपको सही लगे तो मानिएगा, यदि नहीं लगे तो मत मानिएगा। ये मानना ना मानना आपके विवेक पे निर्भर करता है। परंतु पहले आपको लेके चलता हूँ कानपुर के बिठूर। माना जाता है कि इसी स्थान पे वाल्मीकि जी ने, भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी और इसी स्थान पे लवकुश का जन्म भी हुआ था। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मान्यता है कि प्राचीन काल में ब्रह्मव्रत के नाम से विख्यात इस स्थल पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की थी। कहा जाता है कि उनका आश्रम यहीं स्थित था और भगवान राम की परित्यक्ता पत्नी सीता को महर्षि वाल्मीकि ने यहीं शरण दी थी, माता सीता को। ये दोस्तों यहाँ का प्रसाद है, इसमें फूल है, दूध, पानी वाला दूध है ये, और ये मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है। पंडित जी कहाँ चढ़ाएंगे प्रसाद ये? माता सीता जी के दोनों पुत्र लव और कुश को इसी आश्रम में शिक्षा दीक्षा मिली थी और उन्होंने इसी क्षेत्र में भगवान राम के अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को पकड़ लिया था। तदनंतर यही महर्षि वाल्मीकि द्वारा पिता पुत्र का मिलन कराया गया था। यहाँ स्थित वाल्मीकि मंदिर का जीर्णोद्धार पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा 19वीं सदी के पूर्वाद में कराया गया था। अभी भी दोस्तों यहाँ मंदिर में काम चल रहा है, देख रहे हैं आप, पूरा बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये है मुख्य मंदिर। तो दोस्तों ये वो स्थान है जहाँ वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। ये है ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी। ये मंदिर पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि एकदम जर्जर अवस्था में है। ये भगवान राम की ही प्राचीनतम प्रतिमा है, यहाँ पर भगवान विष्णु की। ये प्रसाद यहाँ पर, ये प्रसाद यहाँ पर चढ़ाया जाता है। जो शिवलिंग है इस पर ये आप जल अभिषेक ही बोल सकते हैं, दूध बहुत ज़्यादा पानी मिला हुआ है इसमें। और ये पुष्प हैं जो यहाँ पर मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूँ आप सब की तरफ से। मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर का शिवलिंग और हरिहर की मध्यकालीन प्रतिमा स्थापित है। ये ऐसा दिखता है बाहर से। अब ये मंदिर और जीर्णोद्धार का कार्य समाप्त होने के बाद आप को बहुत ही सुंदर दृश्य मिलेगा इस मंदिर का। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं रामायण काल की, अर्थात त्रेता युग की। त्रेता युग में माता सीता यहाँ आई होंगी, तब यहाँ का दृश्य कैसा रहा होगा ये सोचने वाली बात है। यहाँ तब ये मंदिर तो संभवता नहीं होगा, किसी प्रकार का निर्माण यहाँ होगा तो वो कुटिया का होगा और कुटिया में ही वाल्मीकि जी रहा करते होंगे और यहीं माता सीता भी, कहीं माता सीता की भी कुटिया रही होगी। ये सामने जो है ये रसोई है, ये जहां मैं इस समय हूँ ये रसोई है। माना जाता है कि यहाँ माता सीता की रसोई थी और अब तो कुछ भी कहना संभव नहीं है। यहाँ पर जो ये बर्तन रखे हैं ये सब प्रतीकात्मक रूप से रखे हैं, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कि यहाँ कभी रसोई थी। मैंने पंडित जी से पूछा कि आपको कैसे पता कि ये वही स्थान है जहाँ पर माता सीता की रसोई थी, तो पंडित जी का मानना है कि हमारे पूर्वजों ने हमें बताया, पूर्वज एक दूसरे को बताते आए कि यहाँ पर कभी माता की रसोई हुआ करती थी। वो कौन सा मंदिर है पंडित जी? सामने वाल्मीकि जी की प्राचीन मूर्ति है, वो सीता जी कुटिया है और ये सीता जी की समाधि जहाँ धरती में समाई है। अच्छा, यही है वो? वहाँ पे सिंदूर रखा हुआ है, आप अपने मांग में लगाइए, भैया जी आप टीका लगाइए। अब दोस्तों सत्य बोलूं तो इस बात पर भी भिन्न भिन्न मत है कि माता सीता ने कहाँ धरा में प्रवेश किया था, किस स्थान पर। कुछ लोग उसे देवल बोलते हैं जो पौड़ी गढ़वाल में है, कुछ लोग उसे बिजनौर का वो स्थान बोलते हैं जिसके बारे में मैं आपको इससे पहले के व्लॉग में बता चुका हूँ। और भी बहुत से ऐसे स्थान है जहाँ पर माना जाता है कि माता सीता ने यहाँ पर धरा में प्रवेश किया था, परंतु पूर्ण रूप से ये कहना संभव नहीं है कि वो स्थान कहाँ पर रहा होगा। ये यहाँ पर राम परिवार
दिखाने का प्रयास किया गया है प्रतिमाओं में। वो सामने मल्लिका स्तंभ है जिसे पेशवा जी ने बनाया था, ये भी दर्शनीय है। दोस्तों यहाँ वाल्मीकि जी को उस रूप में दर्शाया गया है जो रूप उनका वाल्मीकि ऋषि महर्षि बनने से पूर्व का है, अर्थात वो पहले एक दस्यु डाकू रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। ये साथ में ही एक मंदिर है माता वन देवी का। जो पंडित जी बताते हैं वो ये है वृतांत कि जब माता को भगवान राम ने त्याग दिया और वो इस स्थान पर आके रहने लगी तो उनका नाम भगवान वाल्मीकि ने बदल कर वन देवी कर दिया था माता सीता का। भगवान वाल्मीकि जी नहीं चाहते थे कि माता सीता का इस आश्रम में वो राज परिवार वाला आदर सत्कार हो, वो चाहते थे कि वो इस आश्रम में एक साध्वी की तरह अपना जीवन व्यतीत करें और अपने बच्चों का पालन पोषण करें। ये जो स्तंभ है दोस्तों इसका निर्माण पेशवा द्वितीय द्वारा किया गया था 19वीं शताब्दी में। इसमें 365 आले बने हुए हैं जिनमें दीप प्रज्वलित किया जाता था और अत्यंत ही सुंदर दृश्य रहता होगा उस समय, परंतु अब तो ये जर्जर अवस्था में है, इसमें अब जाने की परमिशन नहीं है, जाना अलाउड नहीं है। अब दोस्तों एक बात जानना अनिवार्य है भगवान वाल्मीकि जी के बारे में, वो ये है कि उनका जन्म हुआ था महर्षि कश्यप और माता अदिति के 9वें पुत्र वरुण के यहां, अर्थात वो एक आदित्य के पुत्र थे। उनकी माता का नाम था चर्षणी और उनके भाई का नाम था भृगु, महर्षि भृगु, अर्थात वो महाज्ञानी थे, परंतु उनका पालन पोषण जो हुआ था वो भील समाज के लोगों ने किया था जिस कारण उनका मार्ग परिवर्तित हो गया। बाद में जब नारद मुनि से उनकी भेंट हुई तो नारद मुनि उनके ब्रह्म ज्ञान को जागृत करते हैं, उसके बाद आज वो आदि कवि सबसे महान कवियों में उनकी गणना होती है। दोस्तों उनका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। माता द्रौपदी ने जब यज्ञ किया था कि पांडवों की विजय हो युद्ध में, तब शंख बजाने वाला वहां कोई नहीं था। भगवान कृष्ण भी प्रयास करते हैं परंतु शंख नहीं बजता। तब भगवान कृष्ण के ही कहने पे भगवान वाल्मीकि जी वहां यज्ञ पे अवतरित होते हैं और शंख अपने आप बजना आरंभ हो जाता है। तो उनका उल्लेख सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युगों में मिलता है। इसी पेड़ के नीचे बैठकर महर्षि वाल्मीकि जी ने राम नाम का उल्टा जाप किया था। उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समा। दोस्तों सन 1870 में फ्रेडरिका रिचर्डसन नामक व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी, द इलियाड ऑफ द ईस्ट। जब इसको प्रकाशित किया गया तो ज्ञात हुआ कि यह पुस्तक वाल्मीकि रामायण का ही इंग्लिश में अनुवाद है, परंतु चौंकाने वाली बात यह थी कि उसमें सिर्फ 6 कांड का ही इंग्लिश में अनुवाद किया गया था संक्षिप्त में। यदि अनुवादक के सामने 7वां कांड अर्थात उत्तर कांड था तो उसने फिर उसका अनुवाद क्यों नहीं किया। उसके बाद राल्फ टीएच ग्रिफिथ नाम के एक लेखक ने भी वाल्मीकि रामायण का इंग्लिश में अनुवाद किया। चौंकाने वाली बात फिर से वही रही कि उसमें भी सिर्फ 6 कांड हैं। यदि आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो युद्ध कांड में वाल्मीकि जी भगवान राम के गौरवशाली और खुशहाल शासन की बात करते हैं और उन्हें आशीर्वचन देते हैं, ये तो अंत में होना चाहिए था। एक और चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि संस्कृत भाषा में जो अंतिम टीका है वो है गोविंद राज जी की, जो सबसे पुरानी टीका है। 1900 तक तो उसमें उत्तरकांड था ही नहीं, 1930 के संस्करण में उत्तरकांड मिलता है, अर्थात 1870 से लेकर 1930 तक वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड था ही नहीं, उसको जोड़ा गया बाद में। अब और सुनिए, वाल्मीकि रामायण को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी परिभाषित किया गया है। तो जैसे हो गई कंभ रामायण जो 12वीं शताब्दी के आसपास रचित है, उसमें भी 6 कांड हैं। फिर 1500 ईस्वी में कन्नड़ भाषा में अनुवादित तोरवे रामायण, उसमें भी 6 कांड हैं। और रामचरितमानस के बारे में तो हम जानते हैं, तुलसीदास जी ने अध्ययन करके उसे लिखा था, रचना की थी उसकी। यदि ऐसा कुछ हुआ होता तो तुलसीदास जी के मन में वो प्रेम भाव आता भगवान राम के लिए। दोस्तों ये वो स्थान है जहां पर जब रामायण काल में भगवान राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था तो उनका घोड़ा यहां पर अयोध्या जी से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर ये स्थान है, यहां पर लवकुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया था। उसके बाद जब हनुमान जी यहाँ आए ये देखने किसने पकड़ा घोड़े को भगवान राम के, तो लवकुश ने हनुमान जी को ही बंधक बना लिया था।
ये वो स्थान है दोस्त, ये देखिए ये घोड़ा है, परंतु कुछ लोग तो उत्तरकांड को सही नहीं मानते। चलिए किसी लोकल से पूछते हैं, स्थानीय निवासी से, उसकी क्या सोच है। मंदिर के पीछे ही ये छोटा सा क्षेत्र है जहां यहाँ के स्थानीय निवासी आके बैठते हैं। ये दुकान है माता जी की, और इनमें से किसी से मैं बात करता हूँ और पूछता हूँ कि उनकी क्या इस बारे में राय है कि जो सो उत्तरकांड है वो सत्य है या असत्य है। ये जो कुछ लोग कहते हैं कि जो ये उत्तरकांड है ये बौद्धिक जब रूल आया भारत में तब जोड़ा गया था, तो ये सत्य है कि ये असत्य है। ये बिल्कुल असत्य है। अच्छा, ये बहुत पौराणिक कथा है। अच्छा, अयोध्या से लक्ष्मण लाए थे यहाँ तक, परियर एक स्थान है, वहां सीता जी को छोड़ा गया है, गर्भावस्था में थी, वाल्मीकि जी यहाँ लाए हैं, उनको रखा है, उनकी सेवा सुषमा की है, और तब ये लव पैदा हुए थे, कुछ वो भी नहीं पैदा हुए थे। अच्छा, ये प्रमाणिक है बिल्कुल। कुछ तो ये है कि गंगा जी माँ गई थी स्नान करने और उसके बाद आई तो ये कुछ से बना दिए थे। उससे बना दिया। किसने बनाए थे? महर्षि वाल्मीकि ने। वाल्मीकि जी ने, क्योंकि ये लोग सब मूर्धन्य व्यक्ति थे, प्राण प्रतिष्ठा करने में माहिर थे, प्राण प्रतिष्ठा करके अपना तुरंत कुश को पैदा कर दिया, लव थे केवल। महर्षि वाल्मीकि आश्रम, लव कुश जन्मभूमि मंदिर। तो दोस्तों ये वो स्थान है, ये वो मंदिर है जहां पर लव कुश का जन्म हुआ था। जन्म स्थान मंदिर है ये, जो मैंने पहले आपको दिखाया था वो है वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम, और यहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था। दोस्तों ये स्थान यहाँ पर उपस्थित हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उत्तरकांड सत्य है और उत्तरकांड हुआ होगा, परंतु विचार योग्य वाली बात ये है, वो ये है कि दोस्तों मैं खड़ा हूं इस समय बागपत के बलौनी में, और ये है वो स्थान जहां पर लवकुश का जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी है यहाँ पर, जिसके दर्शन मैं आपको कराने वाला हूँ, और यहाँ पर ही वो स्थान भी है जहाँ पर माना जाता है कि माता सीता धरा में समा गई थी। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि बालकांड से युद्ध कांड तक जितने भी स्थान हैं उनकी हमें जानकारी है। अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उसके बाद वनवास, उसके बाद रावण की लंका, उन सब की हमें जानकारी है। परंतु उत्तरकांड में जो ये स्थान है एक जहां पर लव कुश का जन्म हुआ, ये कहां पर है? अभी मैं आपको कानपुर के बिठूर का वो स्थान दिखा के लाया हूं, और मैंने दिन भर यात्रा की है, 8 घंटे का सफर किया है, 540 किलोमीटर दूर यात्रा करके मैं इस स्थान को आपको दिखाने लाया हूं, ये बताने के लिए कि संभवतः उत्तरकांड सही है, परंतु क्या वो स्थान जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं वो स्थान है कहां जहां लवकुश का जन्म हुआ था, जहां महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, जहां पर माता सीता धरा में समाई थी, जो स्थान उत्तरकांड में मिलता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उत्तरकांड झूठ है, असत्य है, नहीं, परंतु क्या वो पूरी तरह से सत्य है, ये जानना बहुत आवश्यक है। मैंने आपको एक ही वीडियो में दो स्थान दिखाए हैं और दोनों की ही मान्यता एक सी है, दोनों ही स्थान लवकुश के जन्म, माता सीता के धरा में समाने के साथ और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं उत्तरकांड के बारे में बस इतना बताना चाहता हूं कि संभवतः वो सही होगा, परंतु कितना सही है ये कहना अभी संभव नहीं है। हो सकता है कि उसमें कुछ चीजें बाद में जोड़ दी गई हों। अब वो सही है या नहीं सही है ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के अवश्य बताइएगा। मैंने 7-8 घंटे यात्रा की है सिर्फ इसलिए कि आपको वो स्थान भी दिखा सकूं जिसकी मान्यता बिठूर के उसी स्थान के साथ जुड़ी हुई है, और वो स्थान कानपुर के बिठूर में नहीं बल्कि बागपत के बलौनी गांव में। अब कुछ लोग इसका ये कारण बताते हैं कि रामायण तो इतिहास में कई बार हुई है, कुछ लोग मानते हैं कि 28 बार हुई है, तो 28 बार रामायण हुई तो संभव है कि किसी रामायण में वो स्थान रहा हो जहां लवकुश का जन्म हुआ और किसी रामायण काल में ये स्थान रहा हो, और भी ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिनके दर्शन कराने का प्रयास मैं आगे आपको करने वाला हूं। कमेंट अवश्य कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि बहुत अच्छा लगा है तो आप वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं मेरी। जय श्री राम।